So today we will start mentally restlessness from the acute book that is the theory of acutes of Dr. Praful Vijaykar sir. So the remedies under mental restlessness because of anxiety, because of anger, because of fear, because of worries, and the patient becomes restless. So in mentally restless, generally we will see on the basis of thirst. So few remedies are thirstless and few remedies are thirsty. So thirstless और थर्स्टी हमने लास्ट लेक्चर में देखे थे. तो वन लाइन सिम्टम्स ऑफ थर्स्टी रेमेडीज एंड वन लाइन सिम्टम्स ऑफ थर्स्टलेस रेमेडीज बहुत ही सिंपल वन लाइन सिम्टम्स सर ने दिए है और इजीली वी कैन रिमेंबर दिस सिम्टम्स. तो ये जो वन लाइन सिम्टम सर ने वन लाइन जो भी पॉइंट सर ने यहां दिए हैं इसे आप अगर याद करके रखते हैं तो कभी भी कहीं भी आप एक्यूट पर से मेडिसिन निकाल सकते हैं. मेंटल एंजाइटी के लिए इजीली यू कैन सिलेक्ट द रेमेडीज. So activity increase mental restlessness में first remedy आती है arsenic album. तो बहुत से doctors ने corona period में भी corona patient के लिए acute chart पर से prescribe किया और mostly तब arsenic remedy आई because of mental restlessness, mental anxiety, fear of disease, fear of death की वजह से. तो ये जो chart है mental restlessness का ये during corona period बहुत useful रहा जिसमें arsenic, nakshomika, china ये remedies ने बहुत अच्छे result दिए in corona period. So the first remedy arsenic. Arsenic is a chilly, thirstless, desire for sips of water, desire for warm foods, warm drinks, and very, very fastidious. Generally, corona period mein sab log fastidious ho gaye the, hai na? Bar bar haath dhona. Cleanliness rakhna. So this is not fastidious. Wo because of fear tha, isliye usse hum fastidiousness nahi bol sakte. So fastidiousness, it is hard to please. And wahan pe kisi bhi baat ka koi bhi compulsion nahi hota hai. Isliye fastidiousness ye genetic characteristics hai. So anxiety about health, gracefulness. Yes, arsenic patient is very graceful person. Weakness, conscientious and midnight aggravation. This is arsenic. Then Sina. Again, Sina is chilly, thirstless, having mental restlessness, crankiness, क्राइंग. और सीना का क्राइंग ये बहुत ही बोरिंग पिटियस का क्राइंग होता है. ऐसे जब सीना का पेशेंट रोता है ना तो सामने वाला अरे भाई जान देना दे देना उसको जो चाहिए दे दे मेरे कान पक गए वो आवाज सुन सुन के. सो दिस इज पिटियस कि सामने वाले की दया आती कि यार ये क्या कर रहा है जा भाई ले और चले जा. दिस इज पिटियस क्राइम. और
विजयकर सर हमेशा क्राइम के लिए सीना और पल्सिटिला एंड कैमोमिला के क्राइम किस टाइप की होती है इसकी बहुत ही अच्छी तरह से एक्टिंग करते थे। सीना की क्राइम बहुत ही बोरिंग कंटिन्यूअस जैसे मशीन शुरू है इस टाइप की क्राइम होती है सीना की, और जो कैमोमिला की क्राइम होती है बहुत ही ऐसे कर्कश होती है, एकदम जोर से चिल्लाएगा, जोर से आवाज निकालेगा बच्चा कि सामने वाला एकदम कान पे हाथ रखेगा, दिस इज कैमोमिला। और पल्सिटिला की क्राइम कैसे होती है कि भाई ये रोएगा, फुसफुस के रोएगा, है ना, रोते रहेगा, सामने वाला बोलेगा भाई जान देना जो हुआ हुआ बस कर, दिस इज द क्राइम ऑफ पल्सिटिला। पल्सिटिला क्राइम ऑलवेज वॉन्ट्स कंसोलेशन सिंपथी, यस, और किसी ने बोला थोड़ा सा समझाएगी क्राइम स्टॉप, दिस इज पल्सिटिला। तो ये टाइप्स है क्राइम के। सीना क्राइम इज वेरी पिटियस क्राइम एंड क्राइम की। देन बोरिंग ऑफ नोज, कंटिन्यूअस नाक खुजाना, नाक में उंगली करना, इवन इन ईयर्स आल्सो, इवन इन एनस आल्सो, दिस इज बोरिंग। बोरिंग इन एनी ओरिफिस स्पेशलिस्ट नोज। देन कैप्रिशियस एंड क्रैंकी, यस, कैप्रिशियस एंड क्रैंकी कैरिड डिजायर टू बी विथ एब्डोमेन ओवर द शोल्डर, कैरिड डिजायर टू बी। पेशेंट को आप ऐसे लो नहीं रुकेगा, जब ऐसा लेंगे तभी पेशेंट को बेटर फील होगा, सो विच रिल्यूज टेम्पोररी, दिस इज सीना। देन नक्सोमिका, नक्सोमिका इज ऑल्सो क्रैंकी, बट नक्सोमिका का क्रैंकीनेस विथ एंगर होता है, यस, थोड़ा सा भी आपने कुछ पूछ लिया, कुछ नॉइस हो गया, कुछ दोबारा पूछा, कोई क्वेश्चन किया तो भड़क जाता है, दिस इज नक्सोमिका, इरिटेबल क्रैंकी, एवर्जन टू आंसर, एग्रीवेटेड बाय लाइट नॉइस एंड ही इज आल्सो फास्टिडियस, कि आप कितना भी बोलो कितना भी समझाओ नेवर प्लीज। क्वारलसम, स्पाइटफुल एंड मैलिशियस, बहुत ही इसके मन में द्वेष होता है, गुस्सा होता है, आकस जिसे हम बोलते हैं दूसरों के प्रति, कोई अगर इसे किसी ने कुछ बोल दिया, किसी ने कुछ किया, इसको अगर उसका गुस्सा है तो उसके प्रति ऑलवेज ही शोज मैलिशियसनेस। देन एलिमेंट्स फ्रॉम हाई लिविंग स्टिम्युलेंट्स, यस, तो हाई लिविंग, हाई फाई रहना, हाई फाई दिखाना, देन हाई फाई लोगों की जो आदतें होती है लाइक ड्रिंकिंग कॉफी, टी बार बार, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, है ना, रात को होटल में जाना, लाइक दिस, सो दिस इज हाई लिविंग, वॉन्ट्स स्टिम्युलेंट्स, है ना, लेट नाइट तक जागना, लेट नाइट बाहर घूमना, लेट नाइट पार्टीज, दिस इज द नक्सोमिका। अगेन नक्सोमिका हैव सेडेंटरी लाइफ पेशेंट्स आल्सो। सो हिस्ट्री ऑफ एलोपैथिक रेमेडी, ऑलवेज इन पेशेंट में आपको हिस्ट्री मिलेगी एलोपैथिक मेडिसिन की। ये पेशेंट जो हाई लिविंग सेडेंटरी लाइफ वाले पेशेंट होते हैं, ये विदाउट मेडिसिन रह ही नहीं सकते, थोड़ा सा भी हेडेक हुआ लो टैबलेट, लूज मोशन हुआ लो टैबलेट, कॉन्स्टिपेशन है टैबलेट, है ना, स्लीप नहीं आ रही टैबलेट, थोड़ा सा मूड ऑफ है टैबलेट, तो हर चीज के लिए टैबलेट, दिस इज नक्सोमिका। कंटिन्यूअस टेकिंग एलोपैथिक मेडिसिन, एंटीबायोटिक्स, स्टीरॉइड्स लाइक दिस, सो दिस इज, और इनमें ऑलवेज आपको इसकी हिस्ट्री मिलेगी ही। देन ओवर सेंसिटिव टू नॉइस, इनको बिल्कुल आवाज नहीं सही होता है, बिल्कुल ऑफिशियल टाइप के पेशेंट होते हैं, लाइट स्ट्रॉन्ग ऑर्डर्स टेकिंग, टॉकिंग लाउड टॉकिंग लाइक दिस, एंड इनइफेक्चुअल अर्जिंग्स फॉर स्टूल, सुबह 3 बार इनको जाना ही पड़ता है,
और ये तब पास होती है जब ये कुछ स्टिम्यूलेंट लेते हैं, जैसे कि कॉफी, स्मोकिंग एंड टोबैको। यस, नसोमिका के पेशेंट अगर लैटरिन जाके आए और आप उसके बाद गए तो आपको पहला स्मेल आएगा स्मोकिंग का। तो दिस इज नसोमिका पेशेंट। देन कैमोमिला, कैमोमिला हॉट भी है चिली भी है। सो मेंटली रेस्टलेस, एंग्जाइटी, चिली, थर्स्टी, अनसिविल, स्नैपिश, अनसिविल। आप इसका प्यार करो वो रख के देगा, है ना, आप उसकी पप्पी लो गाल के ये आपके गाल पे रख देगा। दिस इज अनसिविल। आप उसको बोलो पप्पी लो काट लेगा। दिस इज कैमोमिला चाहिए। रेड हॉट डिजायर टू बी केयर, यस। ऑफेंसिवनेस, ऑफेंसिवनेस, यू विल सी दिस ऑफेंसिवनेस इन हिज माइंड ऑल्सो एंड फिजिकल्स। सो माइंड, आप थोड़ा सा भी उससे प्यार से बात करो, ये करो वो करो, और आपने दो चार बातें ज्यादा कर ले कि ये उसका ऑफेंसिवनेस दिखाई देगा। पट से इरिटेबल, पट से उठो यहां से मुझे काम करने को निकलो। दिस इज एंगर ऑफ कैमोमिला, भड़क जाता है जल्दी से। देन वंचिक रेड, वंचिक हॉट, अनबैलेंस्ड स्टेट ऑफ फिजिकल एंड माइंड आल्सो। देन एलिमेंट्स फ्रॉम आफ्टर फिट ऑफ एंगर, इमोशंस, यस, गुस्से के बाद, इमोशंस के बाद इसके कंप्लेंट्स बढ़ जाती है। ओवर सेंसिटिवनेस, मेंटल फिजिकल, इनटॉलरेंस टू पेन एंड सफरिंग, पेन इन एनी टाइप। कैमोमिला को बिल्कुल सहन नहीं होता है, थोड़ा सा भी पेन मेक्स हिम इरिटेबल, एंग्री, क्रैंकीनेस। दिस इज कैमोमिला। थर्स्टी, किकिंग एंड क्राइम, यस, किकिंग एंड क्राइम, डिमांडिंग, और जो क्राइंग होता है डिमांडिंग चाहिए, दे 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 दे, अभी चाहिए अभी चाहिए। तो ये कैसे करेगा, बिल्कुल हाथ पैर पटकेगा, जमीन पे गिर जाएगा, पैर घिसेगा, तन 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 जो बोलते ना अपन, जंपिंग करेगा, उड़ा मारेगा कि नहीं अभी चाहिए अभी चाहिए, जो हाथ में आए ये पटक दे। दिस इज कैमोमिला, दिस इज कैमोमिला, डिमांडिंग क्राई, है ना। और वो डिमांडिंग क्राई ऐसा होता है कि पेरेंट्स घबरा जाते हैं, और ये फोड़ देगा, दे दो भाई, दे दो दे दो दे दो, उसके पास दे दो, उसको छोड़ो मत छोड़ो मत छोड़ो मत, दे दो दे दो दे दो, लाइक दिस। दिस इज द कैमोमिला, किकिंग एंड क्राइंग, डिमांडिंग क्राई, एग्रीवेट एट 9 AM। ब्रायोनिया 9 PM, देखो एग्जैक्टली। सो सुबह ये बच्चा उठते बराबर मेरी ये चीज का है, और नहीं देखी जोर से रोना शुरू, अभी चलिए। दिस इज द कैमोमिला। और नाइट एग्रेवेशन इन पर्टिकुलरली ब्रायोनिया 9 PM, कि जो भी कंप्लेंट है 9 PM को बढ़ जाती है, बॉडी एक, हेडेक, कॉन्स्टिपेशन, एब्डोमिनल पेन, कफ, फीवर 9 PM। सो दिस इज द ब्रायोनिया। तो कैमोमिला हमने देखा, उसका कंपैरिजन विद ब्रायोनिया भी देखा। देन बराइटा का, अब देखो बराइटा का एक्यूट में भी बहुत अच्छे रिजल्ट देती है, बहुत अच्छी रेमेडी है एक्यूट के लिए भी। इट इज द पॉलीक्रेस्ट रेमेडी, क्रॉनिक रेमेडी है, बट एक्यूट में भी उसका रोल है, बहुत अच्छे रिजल्ट एक्यूट में भी आते हैं। बट ब्रायटा का एक्यूट में कैसे देखना, एक्यूट में कैसे ढूंढना ब्रायटास को, तो मोस्टली ब्रायटास में मिसप्लेस एंग्जाइटी होती है, मिसप्लेस एंग्जाइटी, यस, चिली, थर्स्टी, वांट्स ऑफ कॉन्फिडेंस, व्हाई, बिकॉज ऑफ टिमिडिटी।
इतना टिमिड पेशेंट होता है कि बार बार पेशेंट आपको कहेगा बिकॉज ऑफ टिमिडिटी कि ठीक तो होऊंगा ना, मुझे कुछ होगा तो नहीं ना, ठीक तो होऊंगा ना, मुझे कुछ बड़ा तो नहीं हुआ ना, लाइक दिस वांट्स कॉन्फिडेंस फ्रॉम यू. यस. एवर्जन टू स्ट्रेंजर्स, बिल्कुल जो भी अपरिचित है, जो पहचान की नहीं है, वो बिल्कुल नहीं चाहिए. एवर्जन, जो रूटीनली है, देखे हुए हैं, उनके साथ ही पेशेंट रह सकता है, लेकिन स्ट्रेंजर्स के साथ. मिसप्लेस एंग्जाइटी, और बिकॉज ऑफ दैट मिसप्लेस एंग्जाइटी ही बिकम मेंटली पैरालाइज्ड. यू नो, वो इतनी एंग्जाइटी कि वो ऐसा लगता है उसको कि बस अब हो गया, खत्म, अब कुछ बचा नहीं, अब मैं मरने वाला, या फिर अब मुझे बहुत बड़ा कुछ तभी होगा. कंप्लीटली मेंटली पैरालाइज हो जाएगा, इतना कि आप कुछ बचा ही नहीं, टोटली फिनिश. दिस इज द वैरायटी, पैरालाइटिक कंडीशन ऑफ माइंड एंड बॉडी. बॉडी में भी वैसे कि अरे ये हुआ क्या, अब तो गया, अब मेरा कुछ सही नहीं, अब मेरा कुछ ठीक नहीं, अब हो गया, फिनिश हो गया सब, लाइक दिस. सो फंक्शन, फंक्शनल डिफिशियंसी ऑफ माइंड एंड बॉडी. देखो बहुत अच्छा, फंक्शनल डिफिशियंसी, वैसी फिजिकल डिफिशियंसी नहीं होती, लेकिन फंक्शनल. स्ट्रक्चरल डिफिशियंसी नहीं रहेगी, लेकिन फंक्शनल डिफिशियंसी, मतलब ब्रेन है लेकिन ब्रेन का सही यूज नहीं, बॉडी है लेकिन बॉडी का सही यूज नहीं, सब मिसप्लेस. दिस इज द फंक्शनल डिफिशियंसी ऑफ माइंड एंड बॉडी. देन एवर्जन टू स्ट्रेंजर्स एंड मिसप्लेस एंग्जाइटी. सो माइंड एंड बॉडी डू नॉट वर्क अप टू देयर फुलेस्ट कैपेसिटी, कभी भी नहीं. माइंड एंड बॉडी डू नॉट वर्क अप टू देयर फुलेस्ट कैपेसिटी. Thus, mind has reduced capacity of thinking. कभी ये mind use करेंगे नहीं, body भी use करेंगे नहीं. That's why that mind and body becomes like a paralyzed. तो फिर नहीं, ये मेरे से नहीं होगा, नहीं ये मेरे को नहीं जमता, नहीं ये मैं नहीं कर सकता. This is variety, wants of confidence. है ना, कि वो कर सकता है लेकिन नहीं करेगा because of thinking. Thus, mind has reduced capacity of thinking, reduced confidence, reduced will, lack of confidence, shy of strangers, does not talk during illness, become completely mum. Yes. So, shut his mouth in acute. Then, misplaced anxiety patient who come for Bayley's palsy, or ptosis of eyelids, do not understand the importance or seriousness of the disease, but will be more anxious of cough or sneezing or itching, which disturbs their sleep at night. Yes. Or anxiety not in proportion to illness. कि इतना पैरालिसिस हुआ, आंख नहीं खुली, मुंह टेढ़ा हो गया, फिर भी उसे एंजाइटी है कि रात में मुझे खांसी बहुत आती, नींद नहीं होती, या फिर स्किन पे इचिंग है, या फिर चेहरे पे पिंपल्स है, तो पहले ये ठीक करो. दिस इज पैराइटा, मिसप्लेस एंजाइटी. पेशेंट अपीयर्स टिमिड, आंसर्स फुलिशली. सर ने इसमें एक नोट दी है कि बराइटा का बराइटा सेल्फ विच हैव एब्सोल्युटली नो एंजाइटी ऑफ हेल्थ. बराइटा का एंड बराइटा सेल्फ डजंट हैव एंजाइटी अबाउट हेल्थ, बिकम वेरी एंजियस ड्यूरिंग क्यूअर्स, बट हैज मिसडायरेक्टेड एंजाइटी. और मिसडायरेक्टेड एंजाइटी जो हमने अभी देखा कि किस टाइप की मिसप्लेस होती है, जो जिस चीज की एंजाइटी होनी चाहिए उस चीज की एंजाइटी नहीं रहेगी, मिसप्लेस. This is Baraita Ka. Then Pharynx. Pharynx में false plethora होता है, दो
Both remedies are chilly, both remedies are thirsty, having reddish discoloration on face, flushes on face. Then फेरम मेट और फेरम पॉज में एक मेजर डिफरेंस ये है कि फेरम मेट इट इज अ स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव एंड फेरम पॉज इट इज टिमिड. फेरम मेट इज कंसाइंशियस और मोस्टली जो फेरम पॉज होता है ये एक्यूटनेस ऑफ कंप्लेंट्स होता है कि पट से हेडेक हो गया, एब्डोमिनल पेन है, बुखार आया, कोराइजा हुआ, बॉडी एक एक्यूटनेस हो, फर्स्ट फास्ट आएगा, फास्ट चले जाएगा, इसे फेरम पॉज. सो जो फेरम पॉज बहुत से डॉक्टर्स और पेन के लिए बहुत यूज करते हैं, लेकिन वो यूज करने की मेन रीजन यही है कि एक्यूटनेस ऑफ कंप्लेंट्स, पट से उसमें रिजल्ट आ जाता है, पट से बिकॉज ऑफ फास्ट एक्यूटनेस की पट से कंप्लेंट आए, मेडिसिन दी और पेन रिलीव हो गया. सो दिस इज फेरम पॉज. नाउ रेडिश डिस्कलरेशन स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव एंड कंसाइंशियस इज फेरम मेट, एग्रेवेटेड बाय कॉन्ट्रडिक्शन, एनिमिक, क्लोरोसिस, फॉल्स प्लेथोरा. Sorry, aggravated by contraction, ameliorated by open air, cool air, and gentle motion. So this is feram met. The mental metal quality is strong and positiveness. Conscientiousness is the metal quality of feram met, metallicum. Then feram phos mein, phosphoric quality kya hai? The timidity. Red discoloration, flushes of face. Aversion to company. Intolerance to interruption or hindrance. Feram pons, right-sidedness. Anemic, relaxation. Ameliorated open ear. Confusion on walking. And indifference to exciting events. Yes, indifference to exciting events. जितने भी खुशी देने वाले पल होते हैं उसके लिए फेरम पॉज में indifference. ये कभी नहीं जाएगा. कभी कोई function है, कभी कोई enjoy कर रहे हैं, कहीं कोई party मना रहे, indifference. नहीं, मुझे ये सब बातें अच्छी नहीं लगती, मैं नहीं जाता, आप जाओ. This is feram pons. So indifference to exciting events. So feram pons or feram met. बहुत अच्छा सर ने यहाँ दोनों भी medicine के symptoms दिए, totality दी है in acute के लिए. बहुत अच्छी remedies हैं. Yes. और इसके ऊपर किसी को कुछ पूछना है, बताना है, share करना है, तो बोल सकते हैं. Good afternoon, sir. Good afternoon, Dr. Kansai. Yeah. Sir, some children are very calm when they come, hai na. They observe. Wo aata hai, bacha ke shant baitha hai bas. Yes. Awaaz, voice. Dr. Kansai, voice nahi aa raha aapka. Yes, sir. Just a minute. Until some children are very calm sitting and there is no other, you know, like they have some hardly any complaints. Yes. When they comes, abhi I got a child whose calcium is very low, is around 6, vitamin D3 also low. And he was having just dry cough and recurrent cold and cough, that was the only complaint. When he came, he was just calm, cool, just sitting like this. He eats well. He is a playful child. Never irritated, never shy, not a chubby also, moderately built. Yes. So how to see all these children, those who are very, not irritable, not anxious, you know, other than this chamomilla, naksomika. Yes. A restless children, so how this approach to this gentle children's?
ओके, बहुत अच्छा आपने पॉइंट निकाला है। तो सबसे पहले अपन इस पे बात करते हैं कि नाउअडेज जो विटामिन डी एंड विटामिन बी 12 की बहुत ही डिफिशियंसीज के पेशेंट्स आ रहे हैं। लॉट ऑफ पेशेंट कम्स विथ विटामिन डी डिफिशियंसी, लॉट ऑफ स्मॉल चाइल्ड, स्मॉल चिल्ड्रेंस, पेडियाट्रिक पेशेंट्स कम फॉर विटामिन डी डिफिशियंसी। व्हाई, कौन बताएगा? खेळतो कंटिन्यू घरात राहतात, मोबाईल्स, टीव्ही, इंटरनेट याच्याशी कनेक्ट राहतात. आउटडोर गेम्स बंद झालेले आहे आणि मेन सोर्स आहे व्हिटॅमिन डी इज अ सन, त्याच्यामुळे खूप डेफिशियन्सी आहे. यस, बिकॉज ऑफ प्ले एरियाज, है ना, बच्चे प्ले एरियाज में खेलने को ही नहीं जा रहे, है ना, और मोस्टली स्कूल्स के टाइमिंग्स मॉर्निंग के हैं, तो मॉर्निंग में बच्चे स्कूल में क्लासरूम में होते हैं और घर में आने के बाद घर में होते हैं, टीवी देखेंगे, मोबाइल खेलेंगे, और जब से मोबाइल आया है बच्चे बाहर निकलते ही नहीं, है ना, ग्राउंड तो जैसे बंद हो गए। तो इस वजह से बच्चों में ये विटामिन डी का प्रॉब्लम सर है, और जो थोड़ा सा पेरेंट्स लोगों का अवेयरनेस बढ़ गया, मोस्टली एग्स में जो येलो पार्ट होता है उसमें विटामिन डी होता है, राइट, तो बहुत से पेरेंट्स वो येलो पार्ट खाने को नहीं देते बच्चे को, ओनली व्हाइट जो भी होता है वो देते हैं, तो इसलिए विटामिन डी वहां से भी निकल जा रहा है ना। बच्चे फिश खाते नहीं, फिश में विटामिन डी होता है तो फिश खाते नहीं, इसलिए उनसे भी मिलता नहीं। That's why विटामिन डिफिशियंसी के मेजर प्रॉब्लम हो रहे हैं बच्चों में, और उसकी वजह से फिर क्या प्रॉब्लम आ रहा है, पेन इन लेग्स, है ना, बोन्स प्रॉब्लम, ग्रोथ प्रॉब्लम, बच्चे की हाइट कम होते जा रही, सो दिस इज द मेजर प्रॉब्लम ऑफ विटामिन डी इन चिल्ड्रेन्स। यस, सो अब आपका क्वेश्चन, राइट, तो देखो आपने आपने कोरोना पीरियड में तो ये इतने सारे पेशेंट आते थे मेरे पास विटामिन डी के, मैं उस वक्त एक्चुअली मेरा लेबोरेटरी वाले को ये चिट्ठी जाती थी कि B12 विटामिन डी चेक, और हर पेशेंट में वो डिफिशियंसी आती थी, क्योंकि मोस्टली कोरोना पीरियड में, लॉकडाउन पीरियड में लोग बाहर ही नहीं निकले, है ना, घर में बैठे बैठे फिर ये दर्द हो, वो दर्द हो, जॉइंट पेन है, ये पेन है, और ये तो एक रीजन है जो फिजिकल रीजन में आएगा कि भाई खेलने नहीं जा रहे, सन हीट से एक्सपोजर नहीं हो रहा है इसलिए विटामिन डी, लेकिन विटामिन डी का और एक रीजन है मेंटल इमोशनल पैथोलॉजी में, वो क्या है, कौन से पेशेंट में, सपोज आपके पास पेशेंट आया विटामिन डी डिफिशियंसी बहुत ही है, और उसमें आप क्या कॉन्फ्लिक्ट ढूंढेंगे? व्हाई द सिंथेसिस ऑफ विटामिन डी बिकम डिफेक्टिव? व्हिच इज द कॉन्फ्लिक्ट? डिवैल्यूएशन सर। वेरी नाइस, डीवैल्यूएशन, राइट, अब बच्चों में डीवैल्यूएशन कैसा होगा, है ना, तो ये उसका और एक रीजन है कि बच्चे बाहर नहीं जा रहे, घर में खेलते बैठ रहे, मोबाइल लेके बैठ रहे, तो बार बार मदर फादर पेरेंट्स, है ना, उनके सबलिंग जैसे कि बड़ा भाई है, बड़ी बहन है, उन बच्चों को डांटते रहते, ये कुछ काम का नहीं, मोबाइल ही देखते रहता, इसको मारो, इसको ये करो, इसको, है ना, छीनेंगे हाथ से, पट से मोबाइल ले लेंगे, रख के देंगे, लाइक दिस, तो बिकॉज ऑफ डिवैल्यूएशन, वो एक आधी बार बच्चा पढ़ाई भी करते रहता है और उससे मोबाइल छीन लेते हैं, मार भी देते हैं, तो उसको बुरा लगता है, अरे यार मैं तो पढ़ाई कर रहा था फिर भी मेरा मोबाइल ले लिया, तो डिवैल्यूएशन, तो इस तरह से डिवैल्यूएशन होगा। अब देखो हाउस
वाइफ्स में डिवैल्यूएशन कैसे होता है, हस्बैंड्स में डिवैल्यूएशन कैसा है, हस्बैंड ड्यूटी से आया है ना, ऑफिस से आया, अपने बिजनेस से घर पे आया, तो बेचारा मोबाइल लेके बैठता है बेड पे लेके, वाइफ को डाउट आता है, दिन भर ऑफिस में रहते मोबाइल लेते रहते और घर में आने की भी मार में दिवा मोबाइल है ना, क्या देख रहे तुम, दिवा दिवा डिवैल्यू। अरे यार मैं मेरे काम का कर रहा हूँ है ना, ऑफिस का देख रहा हूँ, किसी के मेल आया वो देख रहा हूँ है ना, कोई मैसेज देख रहा हूँ, और आप हमेशा आपका यही है, हमेशा डाउट करते रहते हैं, तो डिवैल्यूएशन है ना, उससे वाइफ को भी डिवैल्यूएशन। मैं क्या मैं बिन फालतू देखती हूँ, मैं क्या ऐसी देख रही हूँ है ना, पहले भी कोई एक्सपीरियंस होगा। सो नहीं तो हस्बैंड वाइफ पे सेट करेगा, या फिर घर के बाकी के लोग, ये दिन भर तुम गए कि मोबाइल लेके बैठ जाती बेडरूम में, क्या करती, किससे बात करती, किस किसके मैसेज देखती, देखो जरा एक चेक करो उसका मोबाइल, इससे डिवैल्यूएशन बढ़ते जा रहा, ह्यूमिलिएशन बढ़ते जा रहा, सेल्फ डिवैल्यूएशन बढ़ते जा रहा कि मेरी कोई कीमत नहीं। इसलिए फिर हस्बैंड ऑफिस से आए फ्रेश वगैरह हो गए कि बाहर निकल जाते, क्यों, घर में रहेंगे तो डाउट, घर में रहेंगे तो बातें सुननी पड़ेंगी, इससे अच्छा बाहर जाओ, जिससे बात करने करो घर पे आकर। तो ये सब प्रॉब्लम की वजह से, डिवैल्यूएशन की वजह से विटामिन डी की डिफिशियंसी आ रही है, और विटामिन डी की डिफिशियंसी आने की वजह से फिर सर्वाइकल प्रॉब्लम्स, लंबर प्रॉब्लम्स, ज्वाइंट प्रॉब्लम्स, मस्क्यूलर प्रॉब्लम्स लाइक दिस। तो ये मेन रीजंस है। तो बहुत इजी है डिवैल्यूएशन निकालना और इन पेशेंट को ट्रीट करना, राइट। तो आप अगर विटामिन डी से डिफिशियंसी की पेशेंट आते भी है, विटामिन डिफिशियंसी की पेशेंट आते भी हैं, तो आप उसे कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी दो, कैसे, तो डिवैल्यूएशन निकाल के, और आप सप्लीमेंट भी दे सकते हैं अगर सीवियर डिफिशियंसी है तो। यस, अब आपका डिवैल्यूएशन कैसे समझना, अभी वो तो 1.5 साल का है। यस, तो उसे पूछो घर में मम्मी डांटती रहती क्या बार बार, है ना, उसके दोनों पेरेंट्स काम पे जाते हैं, दे आर जस्ट कमिंग फॉर जस्ट स्लीप, खाली पेरेंट्स, उसका ग्रैंड पेरेंट्स देखते हैं उसको। हाँ, तो उसको उस वो उनसे ये पूछो कि पेरेंट्स आने के बाद इसकी क्या रिएक्शन होती, एकदम आते बराबर चिपक जाएगा मम्मी को, थोड़ी देर रोएगा मम्मी आने के बाद, है ना, फिर मम्मी को छोड़ेगा ही नहीं, या फिर पापा को छोड़ेगा ही नहीं, इसका मतलब क्या है कि ये लोग जाने के बाद उसे अच्छी ट्रीटमेंट नहीं मिल रही, राइट, या फिर उसे उस बच्चे को किन से ज्यादा अटैचमेंट है, तो जिनसे भी अटैचमेंट है और बाकी लोगों के साथ वो रह रहा है, तो उसके साथ वो कैसा रहता है, उनसे कैसे ट्रीटमेंट की जाती है, जब वो समझ में आएगा कि ये डिवैल्यूएशन क्यों हो रहा है, इसको खुद को उनके साथ रहते वक्त डिवैल्यू क्यों लगता है कि ये लोग मेरे नहीं है, ये लोग मुझे प्यार नहीं करते, ये लोग मेरे केयर नहीं करते, ये लोग मुझे प्यार नहीं देते, है ना, ये लोग मेरे कोई नहीं है, इस टाइप का फीलिंग, इस टाइप का इमोशंस वहां हो सकता है, दैट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ डिवैल्यूएशन। यस, फोर सेकंड फीलिंग इज ऑल्सो डिवैल्यूएशन, हेल्पलेसनेस फीलिंग इज ऑल्सो डिवैल्यूएशन, लैक ऑफ एप्रिशिएशन, लैक ऑफ एफेक्शन, देन निग्लेक्ट फीलिंग इज ऑल्सो डिवैल्यूएशन। इसमें सप्लीमेंट का कोई रोल है क्या, मतलब क्योंकि 1.5 साल का बच्चा है तो डेफिनेटली वो बाहर जाता नहीं, और मदर का मिल्क भी उसे मिल नहीं रहा, फूड से, वेजिटेबल से मोस्टली विटामिन डी मिलता नहीं है, इसलिए उसे सप्लीमेंट दे सकते हैं विटामिन डी ड्रॉप्स। यस, क्योंकि जब सीवियर होता है तो उसे आप फूड देके ही, मतलब उसे वो डिफिशियंसी थोड़ी कवर अप करने के लिए आप सप्लीमेंट दे सकते हैं, ताकि वो पट से कवर हो जाए, और जहां डिफेक्टिव है कि विटामिन डी एब्सॉर्प्शन में कुछ डिफिशियंसी, विटामिन डी सिंथेसिस में कुछ डिफिकल्टी है, कुछ प्रॉब्लम है, देन यू कैन गिव द कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, या
वहां स्ट्रॉन्ग कॉन्फ्लिक्ट है ये डिवैल्यूएशन का, उसे कम करने के लिए, उसका असर कम करने के लिए बॉडी पे आपको कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी देनी पड़ेगी। और जो क्वेश्चन आपने पूछा था कि इनमें कैसे एनालिसिस करना है, तो माइल्ड बच्चा है ना, माइल्ड है तो वहां पे कुछ एग्रीवेटिंग फैक्टर है क्या घर में कि जो उसको बार बार टॉर्चर कर रहा है, दबा रहा है, उसको अच्छा नहीं बोल रहे, उससे प्यार नहीं कर रहे, ये आपको निकालना पड़ेगा। वो बहुत डरता है क्या किसी से घर में, और फिर डरता है तो क्यों डरता है, वो लोग उसके साथ कैसा बिहेव करते हैं, उसे कैसा ट्रीट करते हैं, है ना। अगर अगर पेरेंट्स उसे प्यार करते हैं लेकिन बाकी लोगों से उसे कुछ प्रॉब्लम है, तो समझ लीजिए कि घर में बाकी लोगों की वजह से उसे डिवैल्यूएशन हो रहा है और उसकी रिएक्शन वहां पे माइल्ड है। फिर माइल्ड क्यों है, तो ये डरता बहुत है क्या, टिमिड है क्या, फिर टिमिड माइल्ड इल्डिंग इस टाइप के रूपरेखा आप वहां दे सकते। यस सर, फास्टिडियस पेशेंट में कैसा, फास्टिडियस पेशेंट में कैसा देखना सर, कैसा देखना मतलब आपका यानी फास्टिडियस कैसा देखना पेशेंट में। फास्टिडियस का रियल मीनिंग, डिक्शनरी मीनिंग है हार्ड टू प्लीज। फास्टिडियस इट इज नॉट लाइक कि भाई कचरा पसंद नहीं है, गंदगी पसंद नहीं है, बहुत ही क्लीन नीट होना चाहिए, यही उसका मीनिंग नहीं है। या फिर ओनली ऐसा मीनिंग मत समझना कि ये पेशेंट को बहुत क्लीनलीनेस चाहिए। प्लीज 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 रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि आपका अगर बात करना होगा तो म्यूट कर दीजिए। रुपेश कदम स्वतःला म्यूट ठेवा। ओके सो तो फास्टिडियस का मतलब ओनली इतना नहीं है कि भाई बहुत क्लीनलीनेस चाहिए। फास्टिडियस का मीनिंग ये है कि हार्ड टू प्लीज। फिर हार्ड टू प्लीज जब ये बड़ी टर्म हम हमारे माइंड में रखेंगे तो हार्ड टू प्लीज फिर हर जगह अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि पेशेंट को गंदगी पसंद नहीं है, पेशेंट को बहुत ही टिप टॉप चाहिए, एकदम घर में थोड़ा सा भी कचरा नहीं चाहिए, थोड़ी सी भी डस्ट नहीं चाहिए, जहां की चीज वहीं रखी हुई चाहिए। ये क्यों, अगर वो इधर की उधर भी चीज होती ना तो ये पेशेंट सुना देता है। सॉरी हाँ, वो किसी को भी सुनाएगा, फिर वाइफ हो, मदर हो, ब्रदर हो, सिस्टर हो, कोई भी हो, फादर हो, हर किसी को सुनाएगा कि मेरी चीज यहां रखी थी, किसने उठाया, पार्ट से बोलो, जल्दी बोलो, और मेरी चीज को किसी ने हाथ नहीं लगा। तो ये होगा हार्ड टू प्लीज कि उसे थोड़ा सा भी इधर उधर हुए वह पसंद नहीं है। तो ये होगा हार्ड टू प्लीज। फिर यही हार्ड टू प्लीज हर जगह अप्लाई हो सकता है, जैसे कि ऑफिस में उसके हर काम में, कपड़े में, उससे रिलेटेड जो भी चीज है वहां पे वो हार्ड टू प्लीज अप्लाई हो सकता है। कि ये पेशेंट बैंक में भी जाता है, अगर इसका काम उसके मन के हिसाब से नहीं हो रहा है, उसे ज्यादा टाइम लग रहा है, या फिर उसके आगे उसका नंबर था और दूसरे को बुला लिया, दूसरे को भेज दिया, तो ये वहां पे भी भड़क जाएगा, बिकॉज हार्ड टू प्लीज, है ना। फिर इसको कितना भी बोलो नहीं, वो उनका ये प्रॉब्लम था इसलिए बुला लिया, नो, रूल इज दिस, है ना, मैं क्यू में था, मेरा नंबर था, मुझे ही बुलाना था, आप क्यों उनको क्यों लिया, दिस इज नॉट राइट, है ना। तो ये हार्ड टू प्लीज आप ध्यान में रखो और ये हर जगह अप्लाई होगा तो आपको फास्टिडियस का रियल मीनिंग समझ में आएगा और इजी होगा फिर पेशेंट से निकालना। समझ में yes, सर ये नक्स्वामिका में भी है क्या, ये नक्स्वामिका देन सल्फर में भी है, देन आर्सेनिक में भी है, आर्सेनिक टोटल होल ग्रुप में है आर्सेनिक के। सर वो तो फास्टिडियस हुआ कि इनजस्टिस कांट टॉलरेट कि मेरा नंबर था और उसको जाने दिया। जो आप अगर वो इनजस्टिस
और भी हर जगह अगर उसे मिलता है उसकी हिस्ट्री में कि उसके लिए नहीं, अगर उसके जगह उसके बजाय कोई और भी पर्सन है और उसको उसका नंबर था और उसे जाने नहीं दिया और ये वहां पे झगड़ा करता है, देन इनजस्टिस होगा, वो इनजस्टिस कैन नॉट सपोर्ट। वो ओनली खुद के लिए है तो आप उसे फास्टिडियस ले सकते हैं। आणि सर परफेक्शनिस्ट एक मीनिंग आहे रुब्रिक्स। हाँ, परफेक्शनिस्ट ये अलग रुब्रिक हुआ और फास्टिडियस अलग रूब्रिक हुआ। वांट्स नीट एंड क्लीन ये भी अलग रूब्रिक है, आप देखो रेपर्टरी में वांट्स नीट एंड क्लीन ये भी अलग रूब्रिक है, अनक्लीनलीनेस एग्रीमेंट ये भी अलग रूब्रिक है। तो हर रूब्रिक का मीनिंग अलग अलग है, स्मॉल स्मॉल डिफरेंस है उसमें, लेकिन रेमिडीज भी अलग है। तो परफेक्शनिस्ट कैसा होता है, हर चीज परफेक्ट ही चाहिए, थोड़ी सी भी गलती सहन नहीं होती है। तो ये होगा परफेक्शनिस्ट। अगर उसे कहीं किसी ने बुलाया, टाइम दिया, तो वो बराबर एग्जैक्टली उसी टाइम पे वहां पे पहुंचेगा, और अगर सामने वाला नहीं पहुंचेगा वहां पहुंच पाया तो ये वहां से निकल जाएगा, क्योंकि मैंने टाइम दिया था, दिस इज दिस, निकल जाओ, दिस इज परफेक्शनिस्ट। और वहां पे बहुत ही माइनर डिफरेंस है दोनों में, परफेक्शनिस्ट और फास्टिडियस में, क्योंकि रेमेडीज भी अलग है। यस यस, समवन एल्स और कोई? सर मुझे पूछना है, सर मेरी बेटी है 8 साल की, उसको 2-3 दिन से कफ हुआ है सर, तो मैंने उसको अभी बेलाडोना 200 मेडिसिन चालू की है, यानी दिन में 3 बार दे रही हूँ, लेकिन चाहिए जितना रिलीफ नहीं हो रहा है। कल दोपहर तक को उसका लास्ट डोज हो जाएगा। दिन में 3 बार क्यों दे रहे हैं? सर अक्यूट कंडीशन है ना, इसलिए 3 दिन 3 बार। ये कहाँ पे पढ़ा आपने अक्यूट में कि अक्यूट में इतना रिपीटेशन चाहिए? तो बाकी पेशेंट को भी रिलीफ होता है तो मैंने सोचा मेरी बेटी को। नो, दिस इज रॉन्ग। सिंगल डोज अभी जो मैंने एक्यूट की केसेस देखे उसमें आपको दिखा रिपीटेशन है ना, वो तो कितने सीवियर सीरियस केसेस थे, फिर भी रिपीटेशन नहीं। तो रिपीटेशन पहले स्टॉप करो तो जी सर, तो आपकी बेटी बिल्कुल अच्छे जाएंगे। सर अभी फिर क्या करें, क्या मेडिसिन वही चालू रखूं या बंद कर दूं? उसके एक्यूट चार्ट पर से निकालो एक्टिविटी कैसी है, तो आप खुद ही बताओ एक्टिविटी कैसी है उसकी। सर अच्छी है, खेलती वगैरह है, लेकिन घर में ही रहती है, ज्यादा बाहर नहीं जाती खेलने के लिए। 2-3 दिन अभी घर में रह रही कि पहले से ही घर में रहती है? सर पहले से घर में रहती है, घर में कोई बेबी नहीं। घर में कैसी रहती है, एकदम सुस्त रहती है, खेलते रहती है, बेचैन है? नहीं सर मुझे छोड़ती ही नहीं, वो मेरे पास पास ही खेलेगी और हर चीज खेलेगी, करेगी, डांस करेगी, तो मम्मी देखो मम्मी ये देखो मैं ऐसे खेल रही हूँ, और ज्यादा से वो पानी खेलती है सर, यानी वो खेलेगी, उसको एक आधी चीज नहीं बोले नहीं बोलना हो तो वो जानबूझ के वही करती है। और इतने में देख रही हूँ उसको यूरिन के लिए जब जाती है ना, तो तब थोड़ा सा गीला हो जाता है। और थर्मल्स क्या है? सर थर्मल्स तो हॉट है वो, फिर पल्स बेलाडोना तो चीटी है, आपका प्रिस्क्रिप्शन ही रॉन्ग हो गया, और रॉन्ग होने के बाद भी रॉन्ग रिपीटेशन रॉन्ग डोजेस दे रहा नहीं? उसे पल्सिटिला 200 का एक सिंगल डोज दे दो, 2 दिन में अच्छी हो जाएगी। अच्छा सर, ठीक है सर, थैंक यू सर। सो नाउ वी विल सी द मेंटल एंजाइटी हॉट रेमेडीज। So in hot remedies, pulsatilla, sulfur, apis, tuberculinum, marksol and chamomilla. अभी देखो chamomilla दोनों में है ना, chili में भी देखा हमने, hot में भी है। So it is both chili and hot remedy. So mental anxiety, hot remedy, thirsty and thirstless. Thirsty में only 3 remedies, tuberculinum, marksol and chamomilla. And thirstless में also 3 remedies, pulsatilla, sulfur and apis.
सो पल्सेटिला वांट्स कंसोलेशन, जैसा अभी इन मैडम ने बताया कि उनकी लड़की बार बार मतलब डांस करेगी तो बोलेगी बार बार मम्मी देखो ना मैं कितना अच्छा कर रही। दिस इज वांट्स कंसोलेशन। सल्फर पाम्स एंड सोल्स हॉट एंड एपिस मेल फ्रीक्वेंट यूरिनेशन इडिमेटस स्वेलिंग ऑन बॉडी। दिस इज पल्स सल्फर एंड एपिस। थर्स्टी में ट्यूबरक्यूलिनम मर्क्यूरी एंड कैमोमिला। कैमोमिला हमने अभी देखा वेरी क्रैंकी। एंड ट्यूबरक्यूलिनम और मर्क सॉल में वॉन्ट्स वॉन्डर। यस वॉन्ट्स टू वॉन्डर। तो ट्यूबरक्यूलिनम में लोकेसिटी ज्यादा होती है और मर्क सॉल में डिसओबीडियंसनेस ज्यादा होता है। किसी की नहीं सुनता, किसी ने कुछ बोला तो कभी नहीं मानेगा, कभी नहीं करेगा। तो दिस इज ट्यूबरक्यूलिनम है मर्क्सॉल। मर्क्सॉल इज वेरी ओबेज फास्ट, ट्यूबरक्यूलिनम लीन थिन फास्ट। तो ट्यूबरक्यूलिनम क्योंकि हमने पल्सेटिला भी देखा, सल्फर भी देखा, एपिस भी देखा एक्यूटमी, तो हम डायरेक्ट देखते हैं ट्यूबरक्यूलिनम। ट्यूबरक्यूलिनम इट इज हॉट थर्स्टी wander or travel desire to locality specially during fever, desire cold meal and sweets, sweets desire and cold meal desire, typical desire tuberculinum ki. Tuberculinum it is very tall, having long bones, sharp nose, long nose and sharp features of the face. Fearlessness and hopeful. Hopeful that means positive patient. So fearlessness होती है. Fearlessness also indicates positiveness. So tuberculinum it is a very positive remedy. Fearless and hopeful remedy. Marksol, chamomilla भी हमने देखा है, sulfur भी देखा है, apis भी देखा है. Okay. So मेंटल एंग्जाइटी हॉट में ओनली ट्यूबरक्यूलिनम ही एक नई रेमेडी न्यू रेमेडीज में थी। बाकी आप इन रेमेडीज को और भी अगर अच्छी तरह से समझना है, परफेक्टली माइंड में रखना है, तो आपको ये बार बार पढ़नी पड़ेगी ताकि एक्यूट के लिए इनके एक्यूट ड्रग पिक्चर्स पूरे माइंड में फिट हो जाए। तो मुझे ऐसा लगता है कि बार बार पढ़ने की बजाय अगर आप एक बार भी पढ़ते हैं और अच्छी तरह से उस रेमेडी को समझ लेते हैं तो इजीली आपके ध्यान में रहेगी और इजीली आप इसे प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। यस लेकिन विच रेमेडीज आर हॉट, विच रेमेडीज आर चिली, ये भी समझना जरूरी है। क्योंकि अभी जैसा मैडम ने वो हॉट थी और उसे बेलाडोना दिया, बेलाडोना इट इज अ चिली रेमेडी, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। एटलीस्ट पेशेंट को ज्यादा सफर ना करना पड़े, इसलिए आप परफेक्ट बनो। हर चीज अवेलेबल है, खाली पढ़ने की देरी है। हर चीज आपको मिलेगी, हर बात बुक्स में है, अभी सॉफ्टवेयर्स में हर चीज लिखी हुई, हर चीज मिलेगी, खाली हमें टाइम निकाल के पढ़ना है और पढ़ने के बाद उसे अप्लाई करना है। जो चीज पढ़ी नहीं, जो चीज पता नहीं, उसे अप्लाई मत करो। राइट। देन वर्बल एक्टिविटी इंक्रीज। वर्बल एक्टिविटी मतलब जैसे कि अभी ट्यूबरक्यूलिनम में लोकेसिटी दी है, लेकिन लोकेसिटी किस टाइप की ये नहीं दी, लेकिन ट्यूबरक्यूलिनम में लोकेसिटी होती है हर टाइप के लिए। जैसे कि ट्यूबरक्यूलिनम पेशेंट के लिए ट्रैवलिंग बहुत अच्छा लगता है, वॉन्डरिंग बहुत अच्छा लगता है, तो मोस्टली इन फीवर ये ट्रैवलिंग के लिए, घूमने के लिए, यहाँ गया था, वहां गया था, यहाँ जाना है, वहां जाना है, इस टाइप की लोकेसिटी रहेगी। कोई भी आता है मिलने को या फिर फोन करके बात करेगा कि मेरे को यहाँ जाना है, वहां जाना है, मैं यहाँ जाने वाला हूँ, वहां जाना, लाइक दिस। और इतनी फास्ट लोकेसिटी होती है ट्यूबरक्यूलिनम की जैसे उसकी स्पीड है। देन वर्बल में सर ने तीन टाइप्स यहाँ पे दिए हैं कि सिंग, देन वर्सेस मेक्स, देन लोकेसिटी।
तो आप देखो वर्बल में आपने अगर विवेक बिंद्रा के वीडियोस अगर आप देखते हैं यूट्यूब पे, तो विवेक बिंद्रा की एक स्टाइल है लाइक अ सिंगिंग बात करते हैं, है ना, राइट, इन रिदिम बात करते हैं, एक के बाद एक जैसे सेंटेंस उनके निकलते हैं, दिस इज सिंगिंग टाइप लोकेसिटी। फास्ट लोकेसिटी होती है, दो मे बी बेलाडोना ओपियम या फिर वेराड्रम अल्बम। देन वर्सेस मैक्स कविता करना, उनकी उस टाइप की भी लोकेसिटी है, वो वर्सेस मैक्स मतलब कविता करते हैं, है ना, चुटकुले टाइप बताते हैं। देन उसमें कैनेबिस इंडिका, लैकेसिस, कॉफिया, एंटिम फ्रूट, नेट्रोम्यूर। एंड थर्ड टाइप इज लोकेसिटी, बट लोकेसिटी ऑफ फास्ट लोकेसिटी, इरेशनल लोकेसिटी, बिजनेस टॉकिंग लोकेसिटी, नॉनसेंस टॉकिंग लोकेसिटी, वन सब्जेक्ट लोकेसिटी एंड कर्सेस लोकेसिटी। तो लोकेसिटीज के इतने टाइप्स सर ने यहां दी है। तो फास्ट में ओनली लैकेसिस पायरोजिनम वेरी वेरी इजी है रूल आउट करना, मेडिसिन सिलेक्ट करना। लोग पेशेंट मेंटल रेस्टलेसनेस है, मेंटल रेस्टलेसनेस में लोकेसिटी है, लोकेसिटी में फास्ट लोकेसिटी है, और फास्ट लोकेसिटी में टू रेमेडीज है लाइक लैकेसिस एंड पायरोजिनियम। पेशेंट चिली है कि हॉट है देखो, अगर चिली है तो पायरोजिनियम, हॉट है तो लैकेसिस। कितना सिंपल है सिलेक्शन ऑफ रेमेडी। देन लोकेसिटी इरेशनल है, अगेन टू रेमेडीज कॉफी एंड लैकेसिस। इरेशनल है, कोई टॉपिक पे सही तरह से बात नहीं करेगा, कभी ये टॉपिक तो कभी वो टॉपिक, है ना, इरेशनल है, इससे बात करना ही बेकार है। जिनकी ऐसी रिएक्शन आती है कि इनसे बात करना बेकार है, ये इसको ना क्या बोलते हैं, वो एक फ्रेज है उस पे कि बिन बुढ़ाचो भांड, है ना, कि ना उसको शुरुआत का कुछ होता है ना एंड का कुछ, किधर भी भागते रहता है, किधर की भी बातें करेगा। दिस इज इरेशनल लोकेसिटी। सो लैकेसिस एंड हिंदी में सर बिना पेंदी कल होता है। यस यस यस, हिंदी में बिना पेंदी कल होता। हाँ, तो देखो लैकेसिस है या कॉपी है, कैसे पहचानना, कौन बोलेगा, लैकेसिस या कॉफिया? सर कॉफिया इज वेरी एक्साइटेड रेमेडी। वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। लोकेसिटी फास्ट है एकदम, और हॉट है, लैकेसिस दे दो। लोकेसिटी एक्साइटिंग है कि इसके बहुत बड़े बड़े बातें होती है, है ना, ये बातें करते करते दूसरों को भी ऐसे एक्साइट कर देगा कि वो भी निकल पड़ेगा उसके साथ। दिस इज कॉफिया, समझ में आया? यस, नहीं फिर अभी कर देना, फिर देर काय को, है ना, फिर वो अपने बोलते ना, वो अच्छी बात में देरी काय के लिए, है ना, नेक काम को वो एक कोई ऐसे इस टाइप में वो उदाहरण देगा और पट से वो सामने वाले को उसमें भी मिला लेगा। दिस इज कॉफिया। देन बिजनेस टॉकिंग है ब्रायनिया। पेशेंट आया बुखार लेके और अपने बिजनेस की बातें करते बैठा, आपके बिजनेस के बारे में बता रहा, आजकल पेशेंट बहुत कम है, क्या बात है, सीजन नहीं है क्या, लाइक दिस। सो दिस इज ब्रायनिया, है ना, फिर मेंटेनेंस बहुत भारी जा रहा होगा डॉक्टर साहब, है ना, लाइक दिस। तो ये बिजनेस की बातें करेगा ब्रायनिया। देन नॉनसेंस टाइप, किधर की भी बात है, कुछ मतलब नहीं, है ना, नॉनसेंस टाइप, अरे भाई तेरे काम की बात कर, ज्यादा के फालतू बात मत कर। तो दिस इज नॉनसेंस, एंड नॉनसेंस में अर्जेंटिकम मेटालिकम वन थिंग वन रेमेडी, वन सब्जेक्ट वन टॉपिक पे ही बात होगी, तो अर्जेंटिकम नाइट्रिकम कैनेबिस इंडिका एंड स्ट्रामोलिन। हर बात में गाली,
है ना, गाली निकलना मुंह से, दूसरों के लिए कभी अच्छा नहीं बोलना, उसका कभी भला नहीं होगा, उसने ऐसा किया मेरे साथ, उसको भी भुगतना पड़ेगा, वो कभी खुश नहीं होगा, वो कभी खुश नहीं रहेगा, देखना डॉक्टर साहब एक दिन उसको ऐसा सबक मिलेगा, ऐसा भगवान छोड़ेगा नहीं, इस टाइप की अगर कुछ वर्डिंग बातों में मिलती है पेशेंट के, तो एनाकार्डियम, सैनिक्यूला, हेपा, नक्स, ओमिका एंड टैरेंटुला, दैट इज द कर्सेस इन लोकेसिटी। सो दीज आर द रेमेडीज। सो कल हम इसे वन बाय वन देखेंगे। इसका ज्यादा तो डिस्क्रिप्शन सर ने नहीं दिया है, लेकिन कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इस रेमेडी के दिए है एक्यूट के लिए, तो ये हम कल कवर कर लेंगे। ओके, सो कल हमारा ये थेरोटिकल पार्ट कंप्लीटली, मेडिसिनल पार्ट कंप्लीटली कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम क्लिनिकल पे जाएंगे। ओके, तो हो सका तो अगर हमारा, अगर ये जल्दी हो जाता है तो मैं एक शॉर्ट केस भी आपको दिखा दूंगा, अगर ये जल्दी निपट जाता है। ओके, यस यस। तो अगर आज के लिए, आज के टॉपिक के अगर किसी को कुछ पूछना है, बताना है, शेयर करना है, कोई क्वेरी है, डाउट है, क्वेश्चन है, तो पूछ सकते हैं। अभी छुट्टी नहीं हुई। मेटिकुलस भी एक वर्ड है ना? यस, मेटिकुलस भी है ना एक कोई वर्ड? यस, मेटिकुलस वर्ड है ना। हाँ है ना। तो फास्टिडियस और मेटिकुलस, उसमें क्या फर्क है ऐसा बताओ, कौन बोलेगा? मेटिकुलस इज गोइंग इनटू डीप, वो डीप में जाके किसी भी टॉपिक के, और वो ये करेगा। और थोड़ा सा और एक्सप्लेन करो। डिटेल्ड रहेगा, मतलब वो तो इतना पता है अभी, बाकी देखो। फास्टिडियस में क्या होता है कि पेशेंट के मन में, माइंड में एक इनसिक्योरिटी टाइप होता है, एक ऑलवेज एक इनसिक्योरिटी रहती है। और मेटिक्यूलस में क्या होता है, वहां बहुत ही वो सावधानी बरतता है, हर चीज के लिए उसके अंदर सावधानी होगी। तो ये होता है मेटिक्यूलस और फास्टिडियस का डिफरेंस। फास्टिडियस बार बार हाथ धोएगा, बार बार हर चीज उसको साफ लगेगी, साफ रखेगा, या फिर कुछ भी करना है तो उसके माइंड में, बैक ऑफ माइंड में एक इनसिक्योरिटी होती है कि नहीं अभी कर लो, वापस करने का काम नहीं पड़ने को ना, और हर चीज अपने जगह पे रखो ताकि हमें ज्यादा परेशानी ना हो। हर चीज अगर टाइम पे मिलती है, टाइम जहाँ की चीज वहीं रहती है, तो हमारा टाइम बचेगा, हमारा काम परफेक्ट होगा, हम इजीली सब काम टाइम पे कर सकेंगे। तो ये फास्टिडियसनेस होता है, ये फास्टिडियसनेस होता है। और मेटाक्यूलस में क्या हो जाता है कि हर चीज की सावधानी, कि नहीं मुझे सावधानी बरतनी चाहिए ताकि मैं मेरा काम परफेक्ट कर सकूं, मुझे ये भी चीज की सावधानी होनी चाहिए, वो भी चीज की सावधानी हो, ताकि मैं गलती ना करूं। तो हर काम वो सावधानी से करेगा, मतलब इसलिए उनमें ये सिम्टम्स आपको नहीं देखना है। ओसीडी, ओसीडी में आपको इंटेलेक्ट देखना है कि ये करते वक्त उसके माइंड में और क्या है, इंटेलेक्ट में और कुछ मिलता है क्या। कोविड के बाद ये पेशेंट ना मुझे काफी मिले, दो तीन तो है समझो। नहीं, ऐसा नहीं है कि वो कोरोना के पीरियड की वजह से ओसीडी में गए, लेकिन उसके पहले भी कोई प्रॉब्लम हुआ होगा, आप चाइल्डहुड से हिस्ट्री लो। नहीं सर, कोविड के बाद जो प्रिकॉशन लिए गए के बाद भी ये कंटिन्यू है, फियर है कोविड का। ये चीज बताया पेशेंट के घर वालों ने भी, वही बताया। यस, तो आप उसमें थोड़ा सा और डीप में जाओ कि ये ऐसा क्यों, क्यों क्या लगता है आपको, क्यों ऐसा करते हैं आप, क्या आपके माइंड में है ना।
तो बिकॉज ऑफ फियर है, बिकॉज ऑफ एंग्जाइटी है, बिकॉज ऑफ एंजियसनेस है, तो वो एक्चुअली उनकी डेलीरियस स्टेट हो गई कि वो अभी भी उस कंडीशन से निकले नहीं. हाँ. वो तो आके चले गया कोरोना, लेकिन ये उसमें ही है, दैट इज द डेलीरियस कंडीशन हो गई ना, डेलीरियस स्टेट हो गई. तो वहां पे आप डेलीरियस एंजियस ले सकते हैं, डेलीरियम एंजियस. अच्छा ठीक है. वहां पे आपको ये नहीं लेना है मेटिकुलस या फिर फास्टिडियस. बरोबर. ये डिजीज सिम्टम. और वो भी नहीं लेना है कि वॉशिंग द हैंड्स और मैनिया फॉर वॉशिंग, वो भी नहीं लेना है. वो बहुत सिंपल रूब्रिक हो गए. सिफिलिटिक रूब्रिक लेना पड़ेगा. यस 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 यस. और कोई समवन एल्स? सर टॉग डिस्पोजिशन ये कौन से रूब्रिक इसमें आएगा? क्या टॉक इन डिस्पोजिशन टू? टॉक इन डिस्पोज टू इट इज साइकोटिक. साइकोटिक यस. सिफिलिस में नहीं आएगा सर ये? नो नो नो. मिसएंथ्रोपी स्लिपी सिफिलिटिक रूब्रिक. मिसएंथ्रोपी इट इज सिफिलिटिक. टॉक इन डिस्पोज टू सिक्रेटिव introverted, reserved, these are the psychotic rubric. Shallow psychosis. Yes. Psychosis ke two types hai, shallow and excess. Hai na? To syphilitic ke bhi two types hai, slow and fast. To ye hum actually next book mein padhne wale hai. Next book hamara hai, kun bolega? My assumption, yes. तो उसमें हमारे को ये पूरा myasm डिटेल में सीखने को मिलेगा और बहुत ही एक्सलेंट बुक है. आपका myasm परफेक्ट हो जाएगा उसमें. यस. बहुत ही अच्छा बुक है, बहुत ही मजा आएगा ये बुक पढ़ते हो. सर आपके पहले वीडियो जो भी आपके हैं वो भेजो ना सर आप. एक्चुअली प्रॉब्लम क्या हो रहा बताता, मुझे वो एडिट करना है क्योंकि उसमें बीच में बहुत स्पेस है ना, तो वो उस स्पेस की वजह से बहुत इसके मतलब उसकी जो मेमोरी है बहुत हाई हो गई. ये वो कुछ कुछ तो वीडियो 30 GB के हो गए, 30, 35, 40 GB तक गए. अच्छा. तो उसको कॉम्प्रेस करने के लिए उसको एडिट करना पड़ता है और एडिट के लिए मुझे हैंड नहीं मिल रहा है. दो चार लड़के आए, एक दो वीडियो उन्होंने एडिट किया और वापस चले गए. नहीं हमारे को पुरता नहीं, बहुत लॉन्ग वीडियोस है, बहुत लेंथी वीडियोस है, बहुत टाइम लग रहा है. अब क्या करे बोलो. आखिर में आज तो मैंने ऐसे डिसाइड किया था कि मेरा 10 से 6 क्लिनिक का टाइम है, 6 के बाद मेरे को टाइम मिला तो मैं खुद ही एडिट करूंगा क्योंकि कोई मिल ही नहीं रहा. बच्चे आ रहे, मतलब 6-7 लोगों को मैंने काम दिया, पेमेंट से दिया, 500 रुपए वीडियो पर वीडियो के हिसाब से दिया. बाप रे. फिर भी अब देखो 500 रुपए पर वीडियो से मैं इस पे वर्क कर रहा, मतलब पैसे लगा रहा. एक्चुअली इसमें से कोई इनकम है ही नहीं. हाँ. ये तो जेब में से खर्चा कर रहा ना. फिर भी वो लोग करने को तैयार नहीं हुए. एक जने ने तो हाइट कर दिया, वो बोले सर 500 रुपए घंटे के हिसाब से पैसे दो हमें. आपका 3 घंटे का वीडियो तो 1500 रुपए का वीडियो होगा. मैंने बोला एक दिन में तू 1500 रुपए कमा लेगा? एक दिन भी नहीं लगेगा. तो इतने लोग क्या करना बोलो. ऐसा सिफिलिटिक रूब्रिक लिस्ट कहाँ मिलेंगे? थोड़ा सा अभी 2-3 दिन वेट करो. सही. माइजम बुक में मिल जाएगी. माइजम्पशन में. यस. हाँ. या. माइजम्पशन में. ये बुक माइजम्स का माइजम्स माय अजम्पशंस ऑफ माइजम जो बुक है सर का थर्ड बुक, बहुत ही अच्छा बुक है और इसे किसी ने भी मिस नहीं करना. ये इसका रीडिंग भी बहुत बढ़िया होगा और ये पढ़ते वक्त बहुत मजा आएगा. बहुत ही अच्छा बुक है. राइट. और आपका ये पढ़ने के बाद माइजम परफेक्ट हो जाएगा. ग्रिंडिंग ऑफ टीथ इन चिल्ड्रेन ड्यूरिंग स्लीप, व्हाट इज द कॉजेशन फॉर दिस सिम्टम?
तो ग्रिंडिंग बिकॉज दांत के ऊपर दांत, ये इसका अब ये नींद में है ना, लेकिन मतलब ये सब कॉन्शियस माइंड में हो रहा है। हम कॉन्शियस माइंड की बात करेंगे अभी। आप ही खुद बताओ कि आप दांत के ऊपर दांत कब रगड़ते हैं? एंगर सप्रेस। यस, जब आपको गुस्सा आता है और वो गुस्सा पूरा आप सामने वाले पे गुस्सा आया और वहां पे कुछ नहीं कर पा रहे तो दांत पे दांत घिसो, है ना, तेरी तो लाइक दिस। सो दिस इज एंगर। अब ये क्या हो गया, ये कॉन्शियस इसमें होगा स्टेट में, लेकिन सबकॉन्शियस स्टेट में ये क्यों हो रहा है, मतलब ड्यूरिंग स्लीप क्यों हो रहा है? तो उस बच्चे को दिन में कभी ना कभी कुछ ना किसी बात पे गुस्सा आया हुआ है और नाइन में वो माइंड में स्लीप में वो रिकॉल हो रहा है, इसलिए वो ग्रिंडिंग होता है टीथ का। अब इसमें क्या हो जाता है, बहुत से डॉक्टर उसका एक डिफरेंशियल डायग्नोसिस ये भी करते हैं कि इसको वर्म हो गए, राइट, और वर्म की वजह से ग्रिंडिंग ऑफ टीथ है, लेकिन ऐसा नहीं है, उसकी मेंटल पैथोलॉजी अलग है। अंडरस्टैंड? थैंक यू सर। यस, ओके, सो नाउ वी विल कंप्लीट दिस सेशन। थैंक यू वेरी मच, कल हम फिर मिलेंगे और एक दो तीन दिन में हमारा ये बुक कंप्लीट हो जाएगा। सो थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू। बाय बाय। गुड नाइट। Yeah.